मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान विक्रम भसीन से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई गई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने सभी मां भक्तों को कहा कि इंसान जिन चीजों में दीवाना हुआ फिरता है वह सांसारिक चीजें सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाला कुछ है तो केवल सत्संग है, क्योंकि सत्संग सत पुरुष का संग है और सत पुरुष की बंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, गोपाल मालपानी, समीर चोपड़ा, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, रोहित बहल, पंकज मंजीत सैनी, राजेश महाजन, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, मोहित बहल, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, बाबा जोशी, राजेंद्र कत्याल, गौरव कोहली, गीतेश, गुलशन शर्मा, पूनम प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज का जो विचार है वह है कि झूठ को सिर्फ ते सिर्फ सच की ताकत के नाल हराया जा सकता है। एक झूठ को काउंटर करने लिए या एक झूठ को सच साबित करने लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि एक सच बोलने को कुछ भी नहीं करना पड़ता। बोलना है उस तो बाद प्रभु की कृपा है। कहने का भाव यह है कि बोलना ही सच चाहिए है। इंसान है एवं दीवानगी दिखाता है अपनी किसी चीज के प्रति, जबकि उन्होंने यह भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों के गीता सार जिहड़ा हैगा उहदे विच लिखिया है कि जो कुछ करना वह भी मैं करना, जो कुछ हो रहा वह भी मैं कर रहा। पर कुछ एक लोग कहते कि जे सब कुछ ही उन्होंने करना फिर असीं क्यों करना ना। फीलिंग्स का फ्लैग्स थोड़े छड़े रहे जिंदगी दे विच, परमात्मा ने डैश करेगा डैश होएगा, इबादत करेगा प्रभु की कृपा होएगी, नशेड़ियों नाल घूमेगा फिर की होएगा उस तो बाद कहने की लोड़ नहीं। भाव कहते हैं भी असीं जिहड़ा कर्म करना है वो सानू बहुत जरूरी है करना, फल परमात्मा ने देना। झूठ को सिर्फ ते सिर्फ सिर्फ ते सिर्फ सच की ताकत ना हराया जा सकता है।